स्टूडेंट्स टूडे वी विल डिस्कस अबाउट द कंपोनेट ऑफ फिजिकल फिटनेस एज नो द फिजिकल फिटनेस वेरियस कंपोनेंट लाइक स्पीड स्ट्रेंथ स्टेमिना और इंडोरेंसलेंसेज और फ्लैक्सिबिलिटी और इसको फाइव एस के नाम से भी जानते हैं डिफरेंट स्पोर्ट्स एक्टिविटी एंड फिजिकल एक्टिविटी डेवलप ईच कम्पोनेंट इन

स्पीड में भी डिफाइंड एज द एबिलिटी और कैपेसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू परफॉर्म अ मूवमेंट ऑफ द सेम पैटर्न एज अ फास्टर रेट किसी एक पैटर्न को बहुत तेजी से जल्दी से कंप्लीट करना बहुत तेज स्पीड में हम उसी को स्पीड कहते हैं और मे भी कह सकते हैं कि स्पीड इज द एबिलिटी टू मूव द बॉडी एज फास्ट एज पॉसिबल स्पेशली इन रनिंग जब भी हम दौड़ते हैं तो हम अपने टास्क को बहुत जल्दी और क्विकली कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं स्पीड इज बेसिकली डिपेंड ऑन हेरिडिटी ये अनुवांशिक भी होता है अगर आपके पेरेंट्स की स्पीड अच्छी है वो रनिंग इवेंट्स करते रहे हों या तो कुछ अनुमानसिक गुण भी जो है वो ट्रांसफर होते हैं बट इट कैन बी इम्प्रूव थ्रू प्रॉपर ट्रेनिंग ऑल्सो और स्पीड जो है वो डिपेंड करता है मसल फाइबर्स के ऊपर जैसे इन ह्यूमन बॉडी टू टाइप्स ऑफ मसल फाइबर्स आर फाउंडेड दैट इज कॉल्ड फास्ट ट्विच एंड स्लो ट्विच और वाइट फाइबर्स एंड रेड फाइबर्स दो तरह के फाइबर्स होते हैं तो वाइट फाइबर्स को फास्ट ट्विच कहा जाता है और रेड फाइबर्स को जो है वो स्लो ट्विच कहा जाता है It is one of the important components for sprint and also required for fast response skills in games and speed. Speed of movement is much more than just running speed. It includes the speed of body parts, such as the explosive strength of the shot putter body across the throwing circle or the speed of a gymnast in hand spring. अगर वो पुट थ्रो कर रहा है तो उसके पास जो है वो एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ के साथ साथ स्पीड भी होनी चाहिए एंड स्पीड इज डिपेंड ऑन द थ्री वे लाइक रिएक्शन टाइम एक्सिलोरेशन एंड स्पीड ऑफ मूवमेंट तो रिएक्शन टाइम क्या है किसी भी सिग्नल या एक्शन के अगेंस्ट में इमीडिएट रिएक्ट करना फॉर एग्जाम्पल वेन रेस इज गोइंग टू बी स्टार्ट द पर्सन स्टैंडिंग आर गिविंग द कमांड ऑन योर मार्क गेट सेट एंड द पिस्टल फायर इज देयर गन फायर इज देयर और विसिल इज देयर और फ्लैपर इज देयर ऑन द कमांड हाउ क्विकली द पर्सन इज रियक्शिंग

इनिशियल स्पीड में ले आते हैं और मैक्सिमम स्पीड तक हम पहुँचते हैं देन स्पीड ऑफ मोमेंट इट इज़ द क्विकनेस ऑफ कंप्लीट एक्शन और मूवमेंट इन अदर वर्ड इट इज टाइम टेकन बाय द बॉडी टू परफॉर्म कंप्लीट एक्शन इट इज ऑल्सो नोन एज लोको मोटर एबिलिटी मीन्स रिएक्शन टाइम के बाद एक्सीलरेशन बॉडी मैक्सिमम स्पीड में आ गई और उसको जो है हम कंटिन्यूस कितनी देर तक और कितने कंप्लीट एक्शन हम परफॉर्म कर पाते हैं इसको लोको मोटर एक्शन भी कहते हैं जैसे मोस्ट ऑफ़ द स्पोर्ट्स रिक्वायर स्पीड ओवर शॉर्ट डिस्टेंस बहुत से गेम्स ऐसे हैं जिसमें शॉर्ट डिस्टेंस की स्पीड मैक्सिमम रिक्वायर होती है लाइक रनिंग बिटवीन द विकेट्स इन क्रिकेट जब आप बैट्समैन को देखते हैं रन लेते हुए विकेट्स के बीच में तो उनके अंदर मैक्सिमम स्पीड इमीडिएट रिएक्शन विथ एक्सलोरेशन और फुल स्पीड बहुत क्विक होना चाहिए एंड आई हैव ऑलरेडी टोल्ड की स्पीड डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ मसल्स फाइबर वाइट फाइबर्स और फास्ट फाइबर्स आर एबल टू कॉन्टेक्ट रैपिडली एंड प्रोड्यूस मैक्सिमम फोर्स जिनके अंदर जिनके बॉडी कॉम्पोजिशन कॉम्पोजिशन में वाइट फाइबर्स होते हैं वो बहुत जल्दी रिएक्ट करता है और रैपिडली जो है वो मैक्सिमम फोर्स प्रोड्यूस करता है तो जो भी एथलीट्स के अंदर वाइट फाइबर्स पाए जाते हैं दे आर एलिजिबल फॉर आर सुटेबल फॉर द शॉर्ट डिस्टेंस रन जैसे हंड्रेड मीटर हुआ टू हंड्रेड मीटर हुआ फोर हंड्रेड मीटर रेसेस हुए इस तरह के रेसेस के लिए उनके पास मैक्सिमम स्पीड्स होती हैं और जिनके अंदर रेड फाइबर्स होते हैं दे आर सुटेबल फॉर द लॉन्ग ड्यूरेशंस रन मीन्स इंडोरेंस एबिलिटी के लिए नोट सेकेंड वन इज स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ मीन्स होती है ताकत और जो स्ट्रेंथ है ये टू कैटेगरी में जैसे स्टैटिक स्ट्रेंथ एंड डायनेमिक स्ट्रेंथ डायनेमिक स्ट्रेंथ फर्दर डिवाइडेड इन मैक्सिमम स्ट्रेंथ एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ एंड स्ट्रेंथ इंडोरेंस तो फर्स्ट व्हाट द स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ इज द एबिलिटी ऑफ द मसल्स टू ओवरकम रेजिस्टेंस किसी भी रेजिस्टेंस के अगेंस्ट में हमारी जो मसल्स काम करती है वो कितने देर तक काम कर पाती है उसी को जो है हम स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ कहते हैं इट इज द एबिलिटी ऑफ मसल्स टू ओवरकम रेजिस्टेंस स्ट्रेंथ कैन बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ अ मसल कैन एक्सॉट इट इज एन एसेंशियल कंपोनेंट फॉर गेम्स एंड स्पोर्ट्स और ये डिफरेंट डिफरेंट गेम्स में अलग अलग तरीके से इसकी जरूरत पड़ती है स्ट्रेंथ कैन ऑल्सो भी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ फोर्स मसल्स और मसल्स ग्रुप्स कैन एक्सर्ट ए सर्टन लेवल ऑफ स्ट्रेंथ इज ऑल्सो एसेंशियल फॉर ए कॉमन पर्सन वेल फॉर ए स्पोर्ट्स डू हैव ए स्ट्रेंथ इज ऑफ पैरामाउंट इम्पोर्टेंस स्ट्रेंथ की जरूरत सबको पड़ती है अगर हम स्पोर्ट्स में हैं तो वो जिस स्पोर्ट्स एक्टिविटी में है उसके अकॉर्डिंग उसकी जरूरत पड़ती है या फिर अगर हम नॉर्मल लाइफ में हैं तो भी हमको इसकी जरूरत पड़ती है तो स्ट्रेंथ को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं स्टैटिक स्ट्रेंथ एंड डायनेमिक स्ट्रेंथ देन व्हाट इज स्टैटिक स्ट्रेंथ स्टैटिक स्ट्रेंथ इज आल्सो कॉल्ड आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथ इट इज द एबिलिटी ऑफ मसल्स टू एक्ट अगेंस्ट रेजिस्टेंस। एंड स्टैटिक स्ट्रेंथ कैन बी मेजर्ड बाय डायनोमीटर्स स्टैटिक स्ट्रेंथ जो है हम एक डायनोमीटर मशीन होती है जिसके थ्रू हम मेजर करते हैं और स्टैटिक स्ट्रेंथ स्टैटिक से ही पता लगता है कि कहीं भी जो है वो स्टेबल पोजीशंस में जो स्ट्रेंथ लगाई जाती है सपोज डेट कि अगर हम वॉल के सामने खड़े हैं और वॉल को पुश करने की कोशिश कर रहे हैं तो वॉल को अगर पुश करने की कोशिश कर रहे हैं तो हम वहाँ स्टैटिक स्ट्रेंथ लगा रहे हैं पावर लिफ्टिंग पावर लिफ्टिंग में क्या होता है कि जो वेट होता है उसको कमर की हाइट तक ले आना रहता है या ग्राउंड से लिफ्ट करके दोनों हैंड हाथ को सीधा करके और उसको कितनी देर तक हम स्टेबल पोजिशन में रख सकते हैं उसमें सर्टेन टाइम होता है कि इतने टाइम तक इस वेट को आपको होल्ड करके रखना है तो वो स्टैटिक स्ट्रेंथ है या रेसलिंग में जब हम देखते हैं कि दो रेसलर एक दूसरे से जब डॉग फाइट होता है तो वो एक दूसरे से अपने हैंड्स से एक दूसरे को पुश करने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पर क्या है कि दोनों तरफ से प्रेशर लगता है तो वो स्टेटिक स्ट्रेंथ की तरह हम उसको यूज करते हैं दिस टाइप ऑफ स्ट्रेंथ इज़ नॉट एक्सपीरियंस डायरेक्टली ये डायरेक्टली नहीं है इसको यूज़ करते हैं स्टेटिक स्ट्रेंथ इज नॉट यूजली अप्लाइड इन स्पोर्ट्स इट इज़ अप्लाइड इन फेस इन वेट लिफ्टिंग पावर लिफ्टिंग पुशिंग द वॉल इस तरह के इसमें हम इसको यूज करते हैं नॉट डायनेमिक स्ट्रेंथ

क्योंकि शोल्डर मशल बाइसेप ट्राइसेप को जो है उसमें डायनेमिक स्ट्रेंथ की जरूरत पड़ती है बिकॉज इट इज इन द मूवमेंट। एट द जंक्शन अ पर्सन इज नॉट एबल टू डू इवन वन एक्स्ट्रा पुल अप और पुशअप एक समय ऐसा आता है कि जब हम पुशअप या पुलअप्स कर रहे होते हैं तो शोल्डर मसल्स एंड आर्म मसल्स जो है बहुत टाइड हो जाती है तो इस जंक्शन पे मुझे लगता है कि अब हम एक भी पुशअप या पुलअप्स नहीं कर सकते हैं लेकिन उसके बाद भी अगर हम एक पुशअप या दो पुशअप भी करते हैं या कोशिश करते हैं करने के लिए तो जो हम एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ लगाते हैं वो जो है वो डायनेमिक स्ट्रेंथ हम उसको कहते हैं डायनेमिक स्ट्रेंथ इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू मैक्सिमम स्ट्रेंथ एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ एंड Strength endurance. So maximum strength, it is the ability to act against maximum resistance, and it is the quality of a muscle to contact forcefully in the quickest possible time. It is also known as power. It is one more required in weightlifting, throwing, wrestling, and it can be measured by throw attempts and पावर लिफ्टिंग जब हम पावर लिफ्टिंग या वेट लिफ्टिंग करते हैं तो इसमें हमको मैक्सिमम स्ट्रेंथ की ज़रूरत पड़ती है और मसल्स जो है वो कॉन्टेक्ट करती है फोर्सफुली इन द क्विकेस्ट पॉसिबल टाइम जितना जल्दी जितना कम समय होगा हम उतना ही जल्दी जो है इसको परफॉर्म कर सकते हैं जैसे हमने बताया कि वेट लिफ्टिंग पुट हैमर थ्रो डिस्कस थ्रो और जेवलिन थ्रो में इस मैक्सिमम स्ट्रेंथ की जरूरत पड़ती इन क्रॉस पोजिशन इन रोमन रिंग रोमन रिंग जिम्नास्टिक की एक एक्टिविटीज़ है जिसमें एथलीट्स जो है अपने पूरे बॉडी वेट को एयर में अपने आर्म्स और शोल्डर्स के मसल्स के स्ट्रेंथ के से वो कुछ सर्टन डिग्रीज पे अपने बॉडी को स्टेबल करता है देन द एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ कैन बी डिफाइंड एज द एबिलिटी टू ओवरकम रजिस्टेंट विद हाई स्पीड्स, किसी रजिस्टेंस के में बहुत हाई स्पीड्स में जो है हमको उसको करना परफॉर्म करना हो तो हम कह सकते हैं कि एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ की जरूरत पड़ेगी इट इज द कंबिनेशन ऑफ स्ट्रेंथ एंड स्पीड एबिलिटी इसमें स्ट्रेंथ और स्पीड दोनों की जरूरत पड़ती है एंड एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ इज जनरली यूज इन स्प्रिंट स्टार्ट जब भी हम स्प्रिंट रेस स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पर एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ की ज़रूरत पड़ती है एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ में ये मसल्स की जो है वो विस्फोटक पावर होती है मसल्स कितना जल्दी जो है वो पावर विस्फोट करता है जिससे कि हम क्विक एक्शंस में आ सकें स्प्रिंट रेस में जरूरत पड़ती है इसकी स्प्रिंट स्टार्ट में जरूरत पड़ती है वेट लिफ्टिंग भी जरूरत पड़ती है पुट हैमर थ्रो जैवलिन थ्रो डिस्कस थ्रो लॉन्ग जंप हाई जंप ट्रिपल जंप एंड पोल वार्ट इन सब में इसकी जरूरत पड़ती है जैसे हैमर थ्रो में व्हेन वी आर रिलीजिंग द हैमर्स जेवलिन थ्रो जब हम जेवलिन थ्रो को अपने हैंड से रिलीज करते हैं उस वक्त जो है वो एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ की जरूरत पड़ती है एट द सेम टाइम इन द हाई जंप और लॉन्ग जंप when we are going to take off for the long jump or high jump, that time we need the then the strength endurance. it is a combination of strength and endurance ability. it is defined as the ability to overcome resistance under fatty conditions. this quality enable a person to sustain localized muscles group for extended period of time. means हमने बताया कि इट इज़ ए कम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेंथ एंड इंडोरेंस एबिलिटी एंड इट कैन ऑल्सो बी डिफाइन एज द एबिलिटी टू ओवरकम रजिस्टेंस और टू एक्ट अगेंस्ट रेजिस्टेंट अंडर द कंट्रोल कंडीशन ऑफ फैट मीन्स हम कोई एक्टिविटीज परफॉर्म करते करते जब हम हमारी बॉडी थकने लगती है उस कंडीशंस में भी जो है हम अगर एक्टिविटीज परफॉर्म करते रहते हैं मसल्स हमारी एक्टिविटीज को परफॉर्म करते रहते हैं तो दैट इज कॉल्ड द स्ट्रेंथ इंडोरेंस इट कैन बी अ फॉर्म ऑफ स्टेटिक और डायनेमिक स्ट्रेंथ ये डायनेमिक स्ट्रेंथ और स्टेटिक स्ट्रेंथ का ही एक फॉर्म है दैट डिपेंडिंग ऑन द फैक्ट वेदर द मूवमेंट इज स्टेटिक और डायनेमिक ये इस पर डिपेंड करता है कि मूवमेंट जो है वो स्टेटिक है या डायनेमिक है इट्स कॉमनली यूज इन द लॉन्ग डिस्टेंस रेस जैसे लॉन्ग डिस्टेंस मैराथन वगैरह जब होता है मैराथन रेस हैं स्विमिंग कम्पटिशंस है साइकिलिंग है, है पोल वार्ट है या कंपैक्टिव स्पोर्ट्स है कंपैक्टिव स्पोर्ट्स में लाइक रेसलिंग बॉक्सिंग इसमें जो है वो स्ट्रेंथ इंडोरेंस की ज़रूरत पड़ती है जैसे लॉन्ग डिस्टेंस रेस है उसमें एथलीट्स जो है वो जब वो फैटी की तरफ बढ़ने लगता है जब उसके मसल्स जो हैं वो टाइड होने लगते हैं तो इस स्ट्रेंथ की ज़रूरत पड़ती है और ये इंडोरेंस भी हम इसको कह सकते हैं कि किसी भी एक्टिविटीज़ को लॉन्ग ड्यूरेशन तक एक मीडियम स्पीड से या समान स्पीड से उस एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं तो हम इसको स्ट्रेंथ इंडोरेंस भी कह सकते हैं नो, द थर्ड वन इज़ इंडोरेंस इंडोरेंस किसको कहेंगे किसी भी काम को बहुत देर तक लगातार समान स्पीड से करते रहने को हम इंडोरेंस कह सकते हैं ये शॉर्ट टर्म में इंडोरेंस हो सकता है ये और ये लॉन्ग टर्म इंडोरेंस हो सकता है इट इज द एबिलिटी टू सस्टेन और कंटिन्यू एक्टिविटी और इन अदर वर्ड इट इज द एबिलिटी इन रेसिस्ट फैटी इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ मिडल एंड लॉन्ग डिस्टेंस रेस एंड इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर ऑलमोस्ट ऑल मेजर गेम्स लाइक फुटबॉल हॉकी बास्केटबॉल हैंडबॉल एक्से ये सभी गेमों में इसकी एंडोरेंस की जरूरत पड़ती है मिस्टर हैरी इज ऑल्सो डिफाइन। एंडोरेंस इज द एबिलिटी टू रेसिस्ट फैटी। इन ऑल स्पोर्ट्स एंडोरेंस इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑफ हाई इम्पोर्टेंस सभी गेम्स में जो है एंडोरेंस की जरूरत पड़ती है लाइक फुटबॉल इन नाइन्टी मिनट्स गेम द फुटबॉल कीप रनिंग कंटिन्य फॉर द 90 मिनट्स तो ये 90 मिनट्स तक कंटिन्यू रनिंग करते रहने के लिए सेम स्पीड से जो है उनको इंडोरेंस की जरूरत पड़ती है अब ये शॉर्ट टर्म इंडोरेंस एंड लॉन्ग टर्म इंडोरेंस द शॉर्ट टर्म इंडोर शॉर्ट टर्म इंडोरेंस को हम एनोरबिक या मस्कुलर इंडोरेंस भी कहते हैं इसमें जो है वो कम समय के लिए जो है इसकी जरूरत पड़ती है लाइक शॉर्ट टर्म इंडोरेंस इंजीड इन स्पोर्ट्स Wherein the action or movement is only for a short duration and intense, like hockey, football. This is the endurance where the anaerobic type of activity is done. When the intensity or sp speed is very fast, the endurance is for shorter duration and also known as muscular endurance, as activity to perform. इन एबसेंस ऑफ ऑक्सीजन विद द हेल्प ऑफ शॉर्ट एनर्जी इन मसल्स ग्लाइकोजिन जो जो हमारे मसल्स के अंदर ग्लाइकोज़िन रहते हैं इसी की एनर्जी से हम इस एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं जैसे शॉर्ट डिस्टेंस रहना है अगर हंड्रेड मीटर डिस्टेंस रेस है इसमें जो है वो बहुत ज्यादा इंडोरेंस और स्पीड की जरूरत पड़ती है और ये एनोरोबिक इसलिए कहते हैं कि लैक ऑफ ऑक्सीजन हमें उतनी ऑक्सीजन हम नहीं ले पाते जितनी की हमको जरूरत रहती है इसलिए हम जो है इसको शॉर्ट टर्म एंडोरेंस में रखते हैं इट प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ फैटी एंड टाइडनेस एज इट कॉस ऑक्सीजन डेप्ट तो जब हम इस एक्टिविटीज हंड्रेड मीटर रेस को जब हम परफॉर्म करते हैं तो हम ऑक्सीजन डेप्ट की कंडीशन में भी चले जाते हैं वेयर सप्लाई इज लेस देन कंजम्पशन या रिक्वायर इज मोर देन सप्लाई तो हम ऑक्सीजन डेप्ट की पोजिशंस में रहते हैं इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर ऑलमोस्ट ऑल द गेम्स एंड स्पोर्ट्स और इन सभी गेमों में इंडोरेंस की शॉर्ट टर्म इन्ड्योरेंस की जरूरत पड़ती है न लॉन्ग टर्म इंडोरेंस दिस इंडोरेंस इज हेल्पफुल वेन द एक्टिविटी इज डन फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन एंड द इंटेंसिटी और स्पीड इज स्लोअर लॉन्ग ड्यूरेशन तक एक्टिविटी परफॉर्म करनी हो लेकिन जो उसकी स्पीड की जो इंटेंसिटी है ये जो है वो स्लो होती है द कम्बिनेशन ऑफ सर्कुलेटरी विथ रेस्परेटरी सिस्टम विच प्रोवाइड्स कंटिन्यू एनर्जी फॉर वर्कआउट इन अदर वर्ड्स द टाइप ऑफ एक्टिविटीज इज ऑफ एरोबिक नेचर एंड स्पीड इज स्लो मीन्स जो हम शॉर्ट टर्म में एनोरोबिक कंडीशन में ऑक्सीजन डेप्थ की कंडीशन में पहुंच जाते हैं क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई रिक्वायरमेंट से कम हो जाती है और यहाँ पर लॉन्ग टर्म इंटोरेंस में क्या है कि ऑक्सीजन की सप्लाई रहती है सफिशियंट स्पीड जो है वो स्लो हो जाती है तो इससे क्या होता है कि जो टाइडनेस की जो पोजीशन या फैटी की जो पोजीशन होती है वो डिले हो जाती है दिस इज रिक्वायर्ड फॉर अ लॉन्ग डिस्टेंस रेस रोड साइकिलिंग या क्रॉस कंट्री रेस और मैराथन रेस और इन फुटबॉल एंड हॉकी नेक्स्ट Flexibility. Flexibility is very important in games and sports. Flexibility is very important in all the games and sports. And flexibility is defined as the range of motion of our joints flexibility is a necessary component of physical fitness flexibility is the range of movement of joints who has a proper flexibility can perform his or her work very easily and flexibility is specific to a given joint and depend upon the musculature surrounding a joint mri joints surrounding उसकी बनावट के ऊपर डिपेंड करता है फ्लैक्सीबिलिटी वेयर इज फ्रॉम ज्वाइंट टू ज्वाइन सभी ज्वाइंट्स की फ्लैक्सिबिलिटी अलग अलग है तो मे भी कह सकते द रेंज ऑफ मूवमेंट वेयर इज इम्पॉर्टेंट फ्रॉम ज्वाइंट टू ज्वाइंट बट डिपेंड्स ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ द सराउंडिंग टेंडन्स लिगामेंट्स एंड मसल्स टिश्यूज एंड द फ्लैक्सिबिलिटी इज डिवाइडेड इन टू टू पार्ट पैसिव फ्लैक्बिलिटी एंड एक्टिव फ्लैक्सिबिलिटी टिव फ्लैक्सीबिलिटी फर्दर डिडेड इन टू टू पार्ट स्टेटिक एंड डाइनमेन दैसिव फ्लैक्सीबिलिटी दिसएबिलिटी टू कैरी आउट मोमेंट टू ग्रेटर डिस्टेंस विद द एक्सटर्नल हेल्प इज कॉल्ड पैसि फ्लैक्सीबिलिटी मीन्स जब हम कोई फ्लैक्सीबिलिटी करते हैं जिसमें हम कोई एक्सटर्नल हेल्प लेते हैं किसी इक्वमेंट्स का हेल्प ले लिए या अपने किसी पार्टनर का हेल्प ले लिए या ट्रेनर जो हमको जो फ्लैक्सीबिलिटी की एक्सरसाइजेस परफॉर्म करा रहा है तो हम उसकी हेल्प ले लिए और हम उसके साथ करते हैं लाइक स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज विद द हेल्प ऑफ ए पार्टनर पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी इज़ ऑलवेज मोर देन एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी जब हम पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी हमारी जितनी होगी वो एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी से हमेशा ज़्यादा रहोगी मीन्स पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी इज़ द फाउंडेशन फॉर एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी अगर हम पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी बेटर परफॉर्म करते हैं या हमारी ज़्यादा है तो हमारी एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी जो होगी वो बहुत ही फाइन मैनर में होगी नाउ एक्टिव फ्लैक्सिबिलिटी एक्टिव फ्लैक्सिबिलिटी इज द एबिलिटी टू कैरी आउट मूवमेंट टू अ लॉन्गर डिस्टेंस विदाउट एनी एक्सटर्नल हेल्प एक्टिव फ्लेक्सीबिलिटी जो है वो बिना किसी एक्सटर्नल हेल्प के मैक्सिमम हम परफॉर्म कर सकते हैं दैट इज़ कॉल्ड द एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी लाइक टू डू अ स्ट्रेच विदाउट द हेल्प ऑफ पार्टनर एंड एक्टिव फ्लैक्सिबिलिटी कैन फर्दर बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स जैसे कि हम जिम्नास्टिक्स देखते हैं इन जिम्नास्टिक फ्लैक्सिबिलिटी प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल वेन फ्लोर गोइंग ऑन जब एथलीट जो है वो फ्लोर जिम्नास्टिक परफॉर्म करता है दैट टाइम जो है वी कैन सी द एक्टिव फ्लैक्सिबिलिटी विदाउट एनी एक्सटर्नल है नो एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटीडेड इन टू पार्ट स्टेटिक फ्लैक्बिलिटी स्टेटिक फ्लैक्सिबिलिटी इज यूजली रिक्वायर्ड बाई स्पोर्ट्स पर्सन वैन ही रिमेन इन ए स्टेटिक पोजिशन जब हम स्टैंडिंग पोजीशंस में हैं या स्टेबल पोजिशंस में हैं दैट टाइम हमको इस तरह की स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी की ज़रूरत पड़ती है जैसे कि कोई स्विमर है जो बोट जंपिंग कर रहा है तो जब वो आप देखते होंगे कि जब वो बोट पे से पूल के अंदर जब वो जंप करने वाला होता है दैट टाइम ही नीड अ पैसिव स्टेटिक फ्लैक्सीबिलिटी और वो आप देखो कि वो इज रेजिंग इज हैंड्स अप एंड कमिंग डाउन एंड टेकिंग ए कराउच पोजिशन फॉर जम्प तो उस वक्त वो स्टेटिक फ्लैक्सिबिलिटी की उसको जरूरत पड़ती है वाइल ड्राइविंग इन स्विमिंग सिटिंग लेइंग एंड इन स्टार्टिंग पोजिशन इन वेरियस स्पोर्ट्स और डायनेमिक्स फ्लैक्सिबिलिटी क्या होगी डायनेमिक फ्लैक्सीबिलिटी इज नीड फॉर कैरिंग आउट मूवमेंट टू ग्रेटर डिस्टेंस वन एंडिविजल इज इन मोशन जब हम मोशन में रहते हैं उस वक्त जो है हमको डायनमिक फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो परफॉर्म करनी रहती है जैसे कि आप देखो फुटबॉल के मैचेस या बास्केटबॉल के मैचेस हों या कोई भी टीम गेम्स अगर हम खेल रहे हैं या बैडमिंटन खेल रहे हैं तो जो डिफेंडर होता है उसको नहीं पता होता कि उसको किधर जाना होता है ही डिपेंड ऑन द अपोनेंट टीम्स अगर फुटबॉल हम खेल रहे हैं और हमारी टीम डिफेंस कर रही हो अगली टीम अटैक कर रही हो तो बॉल किधर किधर जाती है आई डोंट नो वो जिधर पास करते हैं हमको अपने मोमेंट्स को इमीडिएट चेंज करना रहता है तो वो फ्लैक्सिबिलिटी अगर हमारी डेनोविक फ्लैक्सिबिलिटी अच्छी है तो यू कैन परफॉर्म वेट बेटर नाउ द नेक्स्ट वन इज और कोऑर्डिनेशन हम कोऑर्डिनेशन को ही जो है वो कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी भी कहते हैं तो कोऑर्डिनेशन मीन्स बिफोर १९८० १९८० के पहले जो कंपोनेंट्स थे फिजिकल फिटनेस के वो स्पीड स्ट्रेंथ फ्लेक्सिबिलिटी इंडोरेंस एंड एजिलिटी के नाम से जाना जाता था ये जो कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज जो है ये इसको हम एजिलिटी के नाम से जा, जानते थे बट आफ्टर १९८० एटी एजिलिटी चेंज इन टू कॉर्डिनेटिव एबिलिटी एंड द टर्म एजिलिटी वॉज डिसकनटीन्यूड बिकॉज इट वॉज नॉट क्लियरली डिफाइंड ये बहुत क्लियरली एजिलिटी जो है वो डिफाइंड नहीं किया गया था इसलिए इसको जो है वो कॉर्डिनेटिव एबिलिटी में चेंज कर दिया गया है एंड कॉर्डिनेटिव एबिलिटी मेनली डिपेंड ऑन था सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है इसी से कॉर्डिनेटिव एबिलिटी गवर्न होती है कब हमें अपना हैंड अप करना है कब डाउन करना है कब वॉकिंग करना है कब बैठना है वॉट यू हैव टू परफॉर्म एंड योर ऑल बॉडी पार्ट्स विल वर्क टुगेदर दैट इज़ कॉल्ड कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी और कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी का एक बेस्ट एग्जांपल आप देखते होंगे इन स्कूल व्हेन यू आर गोइंग फॉर ए मार्च पास्ट जब आप मार्च पास करते हैं तो हमको एक पूरे अपने ग्रुप के साथ जो है वो कोऑर्डिनेट करना रहता है हमारे हैंड्स और लेग्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ भी कोऑर्डिनेट होने चाहिए और अपने बॉडी पार्ट्स हमारा लेग और हैंड का जो कोऑर्डिनेशन होता है अल्टरनेट ये भी बिल्कुल एकोरेटली होना चाहिए तो ये कोऑर्डिनेट एबिलिटी का अच्छा एग्जाम्पल हम कह सकते हैं या जब हम रोइंग करते हैं रोइंग मीन्स जब नौकायान रेस होता है तो आप देखो कि एक ही नाव के ऊपर जो है वो फाइव टू सेवन और पार्टिसिपेंट्स आर सिटिंग देयर और जो वो चप्पू चलाते हैं उनके कोऑर्डिनेशंस देखिए सेम टाइम अगर एक का भी कॉर्डिनेशन एक दूसरे से गड़बड़ हो गया तो उनकी स्पीड जो है वो स्लो हो जाती है या बैडमिंटन अगर आप खेल रहे हो एंड यू आर गोइंग टू स्मैश द कॉक तो कोऑर्डिनेशन बिटवीन आई एंड हैंड विद द शटल कॉ ये जब सबका एक साथ कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तब तक हम एग्जैक्टली exactly जो है वो शर्ल कॉक को हिट नहीं कर सकते ये हम कह सकते हैं कि कोऑर्डिनेट एबिलिटी आर दोज एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल विच एनेबल द इंडिविजुअल टू डू वेरियस रिलेटेड एक्टिविटीज़ प्रॉपरली एज वेल एज इफ़िशियंटली कई एक्टिविटीज हम एक साथ कर लें और वो परफेक्टली और इफ़िशियंटली हो सी रिदम फलो एंड कंसिस्टेंसी डिपेंड ऑन आवर क्वाडिनेटिव एबिलिटी ये सारी चीज़ें हमारे रिदम हमारे कंसिस्टेंसी जो है ये क्वाडिनेटिव एबिलिटी पर डिपेंड करती है और ये एबिलिटी किस किस तरह की हो सकती है इट इज इट कैन बी अ वेरियस टाइप सच है जैसे बैलेंस एबिलिटी आप बैलेंस एबिलिटी देखते होंगे कि जब जिमनास्टिक्स में जब वो बैलेंस बीम के ऊपर जब जिमनास्ट परफॉर्म करता है तो वो कैसे अपने हैंड्स लेग को कोऑर्डिनेट करता है और अपने आप को उस पतले से बीम के ऊपर जो है वो बैलेंस करता है रिदम एबिलिटीज़ हैं एडप्टेशन एबिलिटी है हैं रिएक्शन एबिलिटी है दीज टाइप्स ऑफ एबिलिटीज़ कैन बी इनहेंस थ्रू जनरल और स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस इन एबिलिटीज़ को इम्प्रूव करने के लिए हमको कुछ जनरल और स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस परफॉर्म करने रहते हैं क्योंकि आप देखते हो कि द ब्यूटीफुल एंड द ग्रेसफुल मोमेंट ऑफ आवर बॉडी आर डायरेक्टली रिलेटेड टू आवर कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज हम जब वॉकिंग करते हैं रनिंग करते हैं जॉगिंग करते हैं तो ये जो ग्रेसफुल और जो फाइन मूवमेंट्स होता है ये हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स एक दूसरे के साथ थ्रू सेंट्रल नर्वस सिस्टम एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं तभी ये देखने में अच्छा लगता है और हम फाइन मूवमेंट्स परफॉर्म कर पाते हैं अदरवाइज इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू परफॉर्म एंड दिस टाइप ऑफ एबिलिटीज़ आर वेरी मच हेल्पफुल इन जिम्नास्टिक एंड डाइविंग ये जो कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज हैं आप जिमनास्ट को देखो आप डाइवर्स को देखो जो स्विमिंग में डाइविंग करते हैं दे आर हैविंग अ वेरी गुड कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी एंड इट कैन बी इम्प्रूव इफ़ वी कैरी आउट करेक्ट मूवमेंट्स, जब हमारे मूवमेंट्स ठीक होंगे एकूरेट होंगे तो हम इसको और इम्प्रूव कर सकते हैं और हम को इन करेक्ट मूवमेंट्स को अवॉइड करना है वाइल प्लेइंग इन्हीं गेम्स और स्पोर्ट्स और सबसे गड़बड़ी तो ये मार्च पास्ट करते वक्त स्टूडेंट्स के बीच में होती है जब अल्टरनेट हैंड्स और लेग की बजाय जो है वो सेम हैंड और सेम लेग फॉरवर्ड और बैकवर्ड्स होने लगते हैं एंड दे आर नॉट फील अनकम्फर्टेबल एंड दे आर परफॉर्मिंग रॉन्ग टाइप ऑफ मार्च पास्ट वो गलत तरीके से मार्च पास्ट करते हैं और उनके सेम हैंड सेम लेग एक साथ होने लगते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो फिजिकल फिटनेस के कंपोनेंट्स हैं अगर हम इनको इफेक्टिवली परफॉर्म करते हैं और इन ऑल कंपोनेंट्स जितने भी कंपोनेंट्स हैं सबके ऊपर हम स्ट्रेस पे करते हैं तो डेफिनेटली वी बिकम अ फिजिकली फिट इन माय नेक्स्ट लेक्चर में वी विल कवर द हेल्थ रिलेटेड फिजिकल फिटनेस द कंपोनेंट ऑफ हेल्थ रिलेटेड फिजिकल फिटनेस कंपोनेंट्स हम लोग इसको नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे थैंक यू थैंक यू वेरी मच